পরে যেটা করবে সেটা আরো এর থেকে ভয়ঙ্কর হবে। 13 বছর ধরে যে আমাদের অত্যাচারিত হচ্ছে এর থেকে আরো ভয়ঙ্কর হবে। ওরা যদি জেল খেটে ফেরে আসে বা কোনো যদি ওদের না করা হয় সেই কারণে আমরা চাইছি উত্তম শিবু আজরা ইমিডিয়েট ওদের ফাঁসি চাই, অ্যারেস্ট হোক আর ফাঁসি চাই। বোথ দিস পিপল আর অ্যারেস্টেড, ফাঁসি চাই। দ্য সিচুয়েশন উইল ফার্দার ডিটিওরেট, ইমিডিয়েট আমরা ফাঁসি চাই। আমাদের উপরে টর্চারিং করছে, ওরা ওরা যে আমাদের দিনের পর দিন অত্যাচার করেছে, পুলিশ প্রশাসন আমাদের কোনো কিছু বলেনি। উই উইল দেম উইল টেক স্টার্ন অ্যাকশন এগেইনস্ট অফেন্ডার্স। হ্যাঁ প্রশাসন সাহেব বুঝে যাচ্ছে কঠিন অ্যাকশন ফাঁসি সাথে চাই। আর আমাদের আর আমাদের আমাদের এইখানে যে গ্রামবাসী আমরা কিন্তু এরপরে যদি ওরা ছাড়া পেয়ে যায় কিন্তু 5 বছর স্যার আমাদের সংসার আই এম উইথ ইউ আই এম উইথ ইউ আপকে সাথ হ্যায় জো কুছ করনা হ্যায় জরুর করুঙ্গা চিন্তা মত করো ঘাবরাও মত। আপনার কাছে আমাদের অনুরোধ এইটুকু, আমাদের মায়েদের তরফ থেকে বিনীত নিবেদন, আপনার পায়ে ধরে বলি আপনি আমাদেরকে বাঁচান, আপনার ছাড়া আমাদের বাঁচাতে পারবে না। शाहजहान तो बाहर से आकर उसी का डर हम लोगों को दिखाता था, सिद्धू हाजरा उत्तम उसका और ज्यादा हम लोगों का यहाँ का भी कुछ कुछ है असिस्टेंट जो उसको देखभाल कराता था। उसका नाम ये है, उसका नाम वो है, ये करता है वो करता है, हम लोग का गांव में ही कुछ कुछ है जो उन लोगों को मदद देता था। आप मुझे कंप्लेन दिया है अभी है, अभी दे दीजिए गिवन गिवन ऑलरेडी गिवन। और हम लोग चाहते हैं शेख शाहजहान अभी तक इसी एरिया में घूम रहा है, उसको अरेस्ट चाहिए, अभी हसी मुहाजरा को अरेस्ट चाहिए, उत्तम कुमार जो अरेस्ट हुआ है वहाँ से हम लोगों को हुक्म मिल रहा है कि हम जब निकलेंगे तुम लोगों को देख लेंगे। मैं जरूर इंस्ट्रक्शन दूंगा, प्रशासन जो थाना हम लोगों का कोई भी कंप्लेन नहीं लेता है कि बोलता है आप लोग जाओ, शिवू भाई है आप लोगों का समस्या का समाधान नहीं करेगा, ऐसा तो कभी प्रशासन नहीं होता है। इट्स माय ड्यूटी, माय ड्यूटी एज गवर्नर टू प्रोटेक्ट देम, आई विल डू दैट। हम लोगों का भरोसा आपके पास, हम लोगों का भरोसा आप ही है, आपको यहाँ तक बुलाने के लिए जरूर आपके साथ हूँ, जो कुछ करना है करूँगा। क्योंकि जो देखिए हम लोगों का अभी बेटा बड़ा हुआ, अगर बेटा का शादी देंगे एक अच्छा सा बेटी आएगा वो तो हमारा घर का बेटी है ना, अगर उसका आप लोगों का पार्टी का कोई भी इंसान को अच्छा लगेगा तो उसके पास क्यों भेजना पड़ेगा, ये बड़ा सुरक्षा क्यों नहीं है देश? अगर आकर बंदूक दिखा के बोलेगा तुम्हारा घर का बेटी नहीं भेजेगा तो तुम लोगों को मार डालेंगे, ऐसा तो कभी भी नहीं होता, कहीं पर भी यह दुर्नीति नहीं चला है, इस संदेश काली में चल रहा है। और दीदी सुनिए सर, हम लोगों को थोड़ा बोलने दीजिए, दीदी हम लोगों को बोल रहा है जिसके पास डंडा है जिसके पास लाठी है वो लोग दुर्नीति का इंसान है, यहाँ कोई दुर्नीति नहीं, कोई पार्टी नहीं, अपन मानुष का आंदोलन है।